अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। लाहौरी जोन आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है जिससे आप लोगों को फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक लाजम देखना है। आपके साथ एक ऐसा एसी है उसको शेयर किया जा रहा है जो कि आप कह सकते हैं कि हर घर की ज़रूरत जो है। अगर आप लोग इस एसी को बाय करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, कितनी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकेंगे, कितने एम्पेयर के ऊपर ये चलता है, कितने एम्पेयर की ये डाउन करता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। क्योंकि कोई आम वीडियो नहीं है, एक ख़ास वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए तरतीब जो है वो दी गई है। इस एसी का नाम जनाब आपको सबसे पहले बता दें, ये ग्री कंपनी का है, इको स्टार के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली कंपनी ग्री ही है लेकिन इको स्टार जो है आप लोग कह लें कि वो इस नाम से भी पहचाना जाता है। तो ग्री कंपनी का इको स्टार इन्वर्टर एसी है जो कि क्राउन सीरीज के अंदर दस्तयाब है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ मैं मुकम्मल तौर पर शेयर कर देता हूँ कि ये जो आपको एसी है वो मिलना इस वक्त मार्केट के अंदर से थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी ये सुनने में आया है कि ये जो एसी हैं ये बनाने बंद कर दी हैं। लेकिन जिनके पास ओल्ड स्टॉक पड़ा है वो भी अब ड्रामेगिरियाँ करते हैं। लास्ट ईयर के अंदर मैंने सेम यही एसी अपने एक कज़न के घर के अंदर लगवाया था जिसकी कीमत थी 62,000 रुपये पिछले साल के अंदर, और इस सीज़न के अंदर ये दूसरा एसी जो है क्राउन प्रिंस का हम लोग इसको बाय कर रहे हैं। 10 दिन पहले एक एसी बाय किया था सेम मॉडल आप लोग कह लें वो 70,000 के अंदर, 70,000 ऊपर 70,000 के अंदर बाय किया था। और ये जो एसी इस वक्त मार्केट से आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये 78,000 रुपये का हम लोगों ने बाय कैश जो है उसको बाय किया है। ओल्ड स्टॉक पड़ा है उन लोगों के पास, दुकानदारों के पास, और आपको पता है कि वो ईमानदार कितने होते हैं। रोज़ों के अंदर भी अगर वो लोग शर्मो हयात नहीं करते तो आप लोग ये छोड़ दें कि वो कितने ज़्यादा ईमानदार जो हैं वो होंगे। इस एसी को लेने का मकसद क्या था, किस लिए इसके ऊपर आप लोग कह लें कि इतने ज़्यादा हम लोगों ने इसके ऊपर पैसा खर्च किया है, क्योंकि ये जो एसी है आप लोग कह लें कि 4 से 5 एम्पीयर जो है वो लेता है। एक टन का ये एसी है, ठीक है, 5 एम्पीयर से 5.5 एम्पीयर आप लोग के ये कंज्यूम करता है, और यही एसी आप लोग का जनाब 1 से 1.8 एम्पीयर के ऊपर बिल्कुल आ जाता है। तो इसलिए इसका फ़ायदा है। तो मेन चीज़ ये थी कि इसको जो मैंने चलाना था वो सोलर के ऊपर चलाना था। मेरा ऑलरेडी सेटअप शायद आप लोगों ने देखा हो, 2500 वाट का हमारा सेटअप जो है वो ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है। तो 1.5 टन का हम लोगों ने डालन का एसी लगाया था, लेकिन वो आप लोग कह लें कि ट्रिप हो जाता था, ऊपर से वोल्टेज जो थे वो कम आते थे। लेकिन ये जो डालन का इसका इको स्टार का एसी है ये 5.5 एम्पीयर लेता है। आपको वीडियो के आखिर तक भी आपको मालूम पड़ जाएगा ये कितने एम्पीयर मुकम्मल लेता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग कह सकते हैं कि ये एसी जो है वो बहुत ही शानदार एसी है। किस लिए कि इसके जितने भी पाइप्स हैं वो गोल्ड के अंदर यानी कि कॉपर के अंदर है, कॉपर विंग्स हैं, कॉपर की तमाम चीज़ों के अंदर फिटिंग है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कॉपर के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसकी वजह से फंगस जो है वो इसके ऊपर नहीं आता। अगर आप लोग लेकर जो है इसके ऊपर एक दफ़ा अप्लाई कर दें तो आप लोग कह लें कि आपका बेहतरीन तरीके से 5-6 साल जो है ये एसी जो है वो आसानी के साथ निकाल सकेगा। इसको लगाने का तरीका भी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हम लोग इसको इंस्टॉल भी कर रहे हैं, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद इसकी आपको एम्पीयर भी चेक करवाएंगे। एक शानदार एसी है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, ना ही मुझे कंपनी वालों ने कोई इसके ऊपर डिस्काउंट दिया है। मैं खुद 78,000 रुपया इसके ऊपर लगा कर आ रहा हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस यानी कि 80,500 रुपया मेरा भी इसके ऊपर लग चुका है। कोई कंपनी वालों ने मुझे आप लोग ये नहीं कह लें कि कोई पैसे दिए हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इको स्टार एक ज़बरदस्त कंपनी है। अभी लास्ट ईयर में स्टार्ट शायद लोगों ने इसको नहीं लिया था, लेकिन इस साल इसकी बहुत ज़्यादा मांग जो है वो बढ़ गई है। इसके अलावा एक आप लोग को और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, TCL कंपनी के एसी इस वक्त T3 इन्वर्टर के साथ आ रहे हैं। अगर आप लोग इससे बेस्ट एसी लेना चाहते हैं, ठीक है, कीमत उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इससे बेस्ट एसी भी TCL कंपनी का एसी जो है वो शुमार किया जाता है।
मैं जो चीज़ खुद इस्तेमाल करता हूँ सेम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये चीज़ जो है वो क्या चल रही है या क्या नहीं चल रही। तो आप लोग कह लें कि अगर आप लोग एसी लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक शानदार एसी जो है वो साबित हो सकता है। लाहौरी जोन हमेशा आपके साथ वो चीज़ें लेकर आता है जिससे आप लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा जो है वो हासिल हो। आप लोग देखें एसी ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है, और इसके बाद इसको चालू भी कर दिया गया है। एम्पेयर आप लोग के सामने मौजूद हैं, कितने एम्पेयर जो है वो ले रहा है। एम्पेयर मीटर भी लगाया गया है, मुकम्मल इसकी ऑलरेडी इंस्टॉलेशन पहले हुई हुई थी घर के अंदर और सिर्फ हम लोगों ने अभी नया एसी ला कर इसको फिट जो है वो कर दिया है। 4.5 एम्पेयर यानी कि मैक्सिमम इसके एम्पेयर जो है वो 5 कुछ एम्पेयर जाते हैं, ठीक है। 5 एम्पेयर से अगर आप लोग मल्टी जरब कर लें 220 वाट से तो ऑलमोस्ट 1100-1200 वाट आपकी बिजली कंज्यूम करता है। और यही एसी जो है वो जब वापस अपने डाउन की तरफ आता है तो 1.8 एम्पेयर जो है वो लेना चाहता है, यानी कि एक कूलर जितनी या दो कूलर जितनी आपकी ये बिजली जो है वो लेता है और आपके कमरे का जो माहौल है उसको बिल्कुल चिल जो है वो कर देता है। मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना। अगर आप लोग एसी लेना चाहते हैं तो इको स्टार का एसी आप लोग आंखें बंद कर लेंगे, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकता है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो थोड़ा TCL का एसी जो है उसको बाय कर लें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत शानदार एसी जो है वो साबित हो सकता है। तो लाहौरी जोन के साथ जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह, लाहौरी जोन आपके साथ इस किस्म के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो लेके आता रहेगा ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा ही फ़ायदा जो है वो हासिल हो सके। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास खास ख्याल रखिएगा और हमें भी जनाब दुआओं में याद रखिएगा। एक अच्छा एसी अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो इको स्टार आप लोग इसको बाय कर लें, उससे अच्छे एसी चाहते हैं तो TCL ले लें, आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा जो है वो इससे हासिल होगा। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना खास खास ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।